फ्लिपकार्ट में आपको 50,000 की मिल जाएगी। और आप में जो है परफॉर्मेंस चेक करने वाला हूँ। हाँ, गियर कम है ना इस वजह से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग अर्बन टेरेन की बीस्ट की रिव्यू करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी चेक करने वाले हैं ऑफ रोडिंग करके। और इसी के साथ साथ हम लोग जो है पहाड़ में चला के भी दिखाएंगे कि इससे कैसा चलता है और कैसा लगता है चलाने में। और साथ ही में इसका परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे पहाड़ में और ऑफ रोडिंग में। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। और इसका मैं आपको 10 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूँ। और इसको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए सब कुछ मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा एंड तक देखिए। और चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। सबसे पहले तो आप इस साइकिल का लुक्स और रोड प्रेजेंस देखिए जब यह रोड पे चलती है कैसा लगता है देखने में। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया ये एक फैट बाइक है तो इसका जो चक्का है काफ़ी मोटा है। एंड इसका जो टायर साइज है मैं बता दूँ ये 26 इंच का टायर जो कि 4 इंच मोटी है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको सामने पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको 3x7 स्पीड का गियर मिल जाता है, मतलब सामने 3 गियर्स मिल जाते हैं और पीछे आपको 60 गियर्स मिल जाते हैं। साथ ही में आपको इसका पीछे और सामने का मडगार्ड भी दिख रहा होगा कैसा दिखता है। और इसका चक्का में आपको सामने और पीछे दोनों चक्का में आपको 2-2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलता और पीछे का तो किसी भी फैटबैक में मिलता ही नहीं है। और अब हम इसे चला के भी दिखाने वाले हैं कैसा चलती है और कैसा लगता है चलाने में। इसको चल तो ठीक ठाक ही रही है लेकिन इससे भी बेटर चल सकती है अगर इसका जो सर्विसिंग ठीक से किया जाए। ऐसे ये मैंने रेंट में लिया है तो इसका जो सर्विसिंग ठीक से किया नहीं है। इस साइकिल जो है पूरा जाम हो गया है इस क्योंकि इसमें जो है ब्रेक और जो गियर्स है उनका टायर में ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग नहीं किया हुआ है। और चेन में भी इसमें तेल नहीं लगा हुआ है। इसको जो अच्छे से तेल लगा के हिलाना पड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा चलाने में यह साइकिल। ऊपर से हवा भी काफ़ी कम है। इसमें दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं लेकिन ये जो है काम नहीं करते सही से क्योंकि इसका ब्रेक्स दोनों ही ब्रेक काफ़ी लूज हो गए हैं। और इसका जो गियर्स है वो जब शिफ्ट कर रहा लग रहा है काफ़ी टाइट है। ऐसा लग रहा है कि ख़राब है लेकिन ऐसा ख़राब नहीं है। इसमें जो सर्विसिंग ठीक से किया नहीं हुआ है तो ये काफ़ी टाइट हो गया है। और एक बात है इसका जो पीछे का गियर से वो सही से काम नहीं करता। जैसे फर्स्ट गियर में रहेगा पीछे तो फर्स्ट के बाद डायरेक्ट फोर्थ में जा रहा है और फोर्थ के बाद डायरेक्ट सिक्स में, ये सेकेंड थर्ड फिर सेवेंथ में नहीं जा रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसका जो सामने का गियर है वो एकदम सही से काम कर रहा है। हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन तीनों जैसे तीन गियर है सामने तो तीनों गियर में इसका चेन आसानी से उतर जा रहा है या फिर वो मतलब उतर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। जैसे फर्स्ट से सेकेंड करूँगा फिर थर्ड करूँगा तीनों में आ रहा है। एंड पहाड़ों में तो फ्रंट गियर से ज़्यादा ज़रूरी भी है ना, वो एकदम सही से काम कर रहा है सर्विसिंग ठीक से नहीं होने के बाद भी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको सीट में क्विक रिलीज मिल जाता है और साथ ही में आपको जो है बोतल होल्डर भी मिल जाता है। और इसी के साथ साथ ये मेरा साइकिल की तरह ये वाला साइकिल भी मॉडिफाइड है। तो इसमें आपको जो है मॉडिफिकेशन में हैंडल में आपको एक बैग मिल जाता है बड़े सा जिसके आप फ़ोन घुसा के उसका स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उसका गंदी हालत हो रखी है। और इसी के साथ साथ सामने जो है लाइट के लिए भी 2-3 जगह है लेकिन अभी जो है लाइट खुला हुआ है फॉर सम रीजंस। और इसी के साथ साथ इसमें स्पीडोमीटर भी है जो कि काम नहीं करता और इसमें हॉर्न भी है वो भी काम नहीं करता। अब मैं इसका 10 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसका पहला एडवांटेज मैं शुरुआत में ही बोल रहा था इसका रोड प्रेजेंस। इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी तगड़ा है क्योंकि इसमें मोटे मोटे चक्का मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक लगते हैं देखने में। इसका दूसरा चीज़ जो कि मुझे बढ़िया लगी वो है इसका जो साउंड है जब मैं इसको चला रहा हूँ और उसका चक्का से जो साउंड आ रहा है चलते वक्त वो काफ़ी मस्त लग रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया फील होता है ऐसे आवाज़ सुनते हुए चलाते हुए। तीसरा एडवांटेज की बात करूँ तो इसका जो फ्रंट गियर है वो मैंने बोला जैसे कि काफ़ी सही से काम करता है। जनरली ऐसा होता है कि जो फ्रंट गियर्स होता है वो काम नहीं करता लेकिन पीछे का गियर काम करता है, लेकिन इसमें जो उल्टा है इसका जो फ्रंट गियर्स है वो एकदम सही से काम करता है। फोर्थ एडवांटेज ये है इसका जो है आपको 3x7 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, मतलब 21 स्पीड का गियर सबको इसमें मिल जाता है। फिफ्थ एडवांटेज है कि इसमें जो है आप काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हो। इसको आप बोल भी सकते हो ऑफ रोड किंग है क्योंकि आगे चल के मैं इसी वीडियो में आपको इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी दिखाने वाला हूँ। सिक्स्थ एडवांटेज इसका है इसमें आपको क्विक रिलीज मिल जाता है सीट में जिस वजह से आप जो है कभी भी इसका सीट जो है
एकदम आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका 7th एडवांटेज है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया है। इसका 8th एडवांटेज है कि इसमें जो आपको मोटा चक्का मिलता है, जिस वजह से जो है आपका जो रोड के साथ ग्रिप है वो अच्छा बना रहता है, एंड इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग में भी अच्छा परफॉर्म करती है, और इसके साथ साथ लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया लगी। और अब मेरा सामने जो है अच्छा खासा चढ़ाई है, तो मैं वहाँ पर जो है चढ़ा के दिखाने वाला हूँ 9th एडवांटेज बताने से पहले। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है चढ़ते वक्त। अब जो है मैंने चढ़ा दिया, अब मैं इसको नीचे वाले वाला हूँ। वैसे तो इसमें गियर्स थे, लेकिन फिर भी मुझे चढ़ाने में काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि इसमें हवा कम था, लेकिन फिर भी एक MTB में इससे ज़्यादा आसानी होती है चढ़ाने में। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब देख सकते हो ब्रेक भी इसका जो है काफ़ी लूज़ है, तो मुझे पूरा ब्रेक दबाते हुए जाना पड़ रहा है ताकि इसका स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, एकदम कॉन्स्टेंट रहे। और इसके बाद हम लोग और भी आगे जाते हैं, तो अब हम लोग जो 9th एडवांटेज का बात करें, तो इसमें इसका 9th एडवांटेज है, इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, बाकी वो अलग बात है, इस साइकिल का डिस्क ब्रेक जो है लूज़ है अभी, तो इस वजह से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड इसका लास्ट एडवांटेज है कि भले ही एक फैट बाइक हो, लेकिन फिर भी इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है। ये तो हो गया सारे एडवांटेज के बाद, अब हम लोग डिसएडवांटेज के बात भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हो हम बातें करते करते जो है कीचड़ में चला रहे हैं, ऊपर से ये एक माउंटेन है। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल है हिली एरियाज और लॉन्ग राइड्स के लिए। रियर कंफर्ट तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें फ्रंट कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा चलाने के बाद ही आपका हाथ दर्द करना शुरू हो जाएगा, एज इसमें फ्रंट सस्पेंशन नहीं है। लेकिन इसको सिटी के लिए यह सही है, लेकिन ये अगर आप जो है माउंटेन्स पे या फिर ऑफ रोडिंग में चलोगे तो वहाँ पे जो है ये इतना कंफर्टेबल नहीं है। इसका सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इस पर जो है पीछे का गियर्स पे प्रॉब्लम होता है। जनरली ऐसा होता है कि गियर्स पे फ्रंट का गियर पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका फ्रंट गियर सही से काम करता है, लेकिन इसका पीछे का गियर में प्रॉब्लम है। एंड ये ऐसा है कि जैसे आपका फर्स्ट गियर है, उसके बाद डायरेक्ट फोर्थ में शिफ्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट सिक्स्थ में, ये आपका सेकेंड थर्ड फिर फिफ्थ और सेवेंथ गियर में आता ही नहीं। इसका थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पावर काफ़ी कम है अगर दूसरा गियर साइकिल से कंपेयर किया जाए। जैसे दूसरा गियर साइकिल जो आसानी से ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन इसमें जो है आपका ऐसा नहीं है। वैसे नॉर्मल साइकिल से तो फार बेटर है, लेकिन फिर भी मुझे जो है थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो, हल्का चढ़ाई में ही इसमें जो है प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि इतना अभी तक तो थोड़ा नीचे की तरफ रास्ता था, लेकिन अब जो ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ, तो ऐसे जो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और आगे चल के और भी प्रॉब्लम होगा। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है कि इसमें जो ब्रेक्स है वो काफ़ी लूज़ है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि काम ही नहीं करता ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें जो है डबल डिस्क ब्रेक मिलता है, मतलब सामने एक पीछे। और इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो मार्गज है वो तो वैसे तो वाइड है काफ़ी हद तक, वो तो ठीक है, लेकिन जो जैसे सामने का मार्गज हो गया हो उसमें जो है सामने की तरफ, एकदम सामने की तरफ वो गार्ड नहीं कर रहा है, जिस वजह से जो है हेवी ऑफ रोडिंग में जो है आपके मुँह के तरफ जो है मड छिटक सकता है। और अब जैसे कि आप देख ही सकते हो ऑफ रोडिंग कर रहा हो, ऊपर से पहाड़ की चढ़ाई में भी चढ़ रहा हो, तो दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो व्हील स्पिन है वो उतना कुछ है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना ही है, काफ़ी कम जगह पे बहुत ही थोड़ा सा करके व्हील स्पिन हो रहा है। अब तो पूरा कीचड़ में घुसाने वाला है, जिसमें हमारा चक्का भी जो है पूरा पानी के अंदर घुस जाएगा, जो कि कैमरा में शायद आपको नज़र ना आए लेकिन एक्चुअली में घुस जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस है, ऑफ रोडिंग का मामले तो काफ़ी बढ़िया है, एकदम आराम से जा रही है एंड व्हील स्पिन भी नहीं हो रहा है। देख सकते हो इस तरह के रास्ते में एकदम मस्त चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया चल रही है। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, जब मैंने यह साइकिल लिया था उस टाइम यह एकदम पूरा साफ था, लेकिन मैं जब इस साइकिल को वापस लौटाने दूंगा तो जो ओनर है वो तो सोचेंगे तो कहाँ चला के आया है, पूरा गंदा करके दूंगा उसको। एकदम ब्लैक कलर का टायर था, अब मैं इसको ब्राउन कलर का टायर करके वापस दूंगा। इसी के साथ साथ इसका जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट में आपको 50,000 की मिल जाएगी।
मजाक कर रहा था, एक्चुअल में ये जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था उस टाइम, इस वजह से जो ये आपको 49,999 की दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल प्राइस भी मैं आपको दिखा दे, इसका एक्चुअल प्राइस आप स्क्रीन में देख सकते हो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में ये जो है 15,000 में आपको मिल जाएगी, मतलब 14,999 में। अब मैं आपको थोड़ा साइड का भी नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, अब भी थोड़ा देख के मज़े लीजिए। और इसी के साथ साथ आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वीडियो मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों में चला रहा हूँ, अभी दो हाथ से मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो कैसे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि मैं जो मेरा फ़ोन है वो मेरा जैकेट के पॉकेट के अंदर घुसा दिया हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके, जिस वजह से जो है आप देख सकते हो। और अब मैं जो है परफॉर्मेंस चेक करने वाला हूँ। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया चल रही है, इसका जो एक्सेलरेशन है एंड अभी जो स्पीड में खींचा वो भी एकदम बढ़िया था। बाकी अब मैंने जो है पूरा डाउन शिफ्ट कर लिया है क्योंकि मैं अपना डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ, और अब जो है मैं साइकिल को जो है रखने वाला हूँ। बाकी होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब करके दबा दीजिए हमारा बेल आइकन। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल का दूसरा वीडियोस भी जरूर देखिए। और अब ये आप देख सकते हो ये क्या हालत मैंने कर दिया, पूरा चक्कर जो इसका बॉडी है वो जो है मैंने पूरा ब्राउन कर दिया है, लेकिन आपको जो है ये अभी रात है तो आपको अच्छे से पता ना चल सकते हैं। हाँ गियर कम है ना इस वजह से।